मैं तुहानू चैलेंज करदा जिहड़ा एक महीने का तुहाडा इश्तहारबाजी का खर्चा है ये भी इनकुआरी कराओ। जांचा नाल दी नाल शुरू करो ते नाल दी नाल वादे अपने पूरे कर लो। इस इनकुआरी के बहाने लोगों नाल कीते वादे तो ना भज्जो। साढ़े तो रिवाज ही पै गया कि जे अंदोलन होवे किसानां दा उहनूं खालिस्तान नाल जोड़ दिओ, जे दूजा कोई आवे उहनूं खालिस्तान नाल जोड़ दिओ। मैं मुख्यमंत्री साहब के इस ऐलान का स्वागत करदा कि जिहड़ा पंजाब दे सिर करजा चढ़िया अगर उहदी जांच करवाउणी चाहुंदे आ जी सदके करवाउण, क्योंकि सरकार दे कल्ले कल्ले पैसे का हिसाब जिहड़ा वो रख्या जाना चाहिए। श्रोमणी अकाली दल इस गल दे उत्ते कोई इतराज नहीं, जदों भी कोई चाहे सारी इनकुआरी पंजाब सिर चढ़े करजे की कराओ, जे कितने कोई किसी ने मिसयूज किया जो सख्त तो सख्त एक्शन बनता वो करो। पर मैं नाल दी नाल मुख्यमंत्री साहब नूं बेनती करदा कि हुण इस इनकुआरी के बहाने लोगों नाल कीते वादे तो ना भज्जो। पिछली सरकार ने खजाना खाली का बहाना ला के तो वादिया तो मुकर गई सी कांग्रेस की, तो तुसी हुण इनकुआरी वाले पासे लोगों का ध्यान ला के तो करजे के उत्ते गल लिया के तो लोगों तो बचना चाहते हो कि जिहड़े तुसीं बिजली माफ़ी दे सारिया वास्ते वादे किए, 1000 रुपया भैणा वास्ते किया, होर बहुत वड्डे वड्डे वादे किए। इस करके तुसीं हुण बेईमानी वाले पासे ना तुरो, एक पासे करजे की इनकुआरी शुरू कर दिओ हुणे ही शुरू कर, पर अपने वादे जिहड़े आ उह नाल दी नाल दूजे पासे जिहड़े आ उह पूरे करने शुरू करो। दूजी गल, मैं तुहानूं चैलेंज करदा जिहड़ा एक महीने का तुहाडा इश्तहारबाजी का खर्चा है इहदी वी इनकुआरी कराओ कि पंजाब दे लोकां दे टैक्स का पैसा गुजरात दियां अखबारां दे विच गुजराती भाषा दे विच इश्तहार लग रहा है वह किस परपज वास्ते लग रहा है, कि आम आदमी पार्टी उत्थे इलैक्शन लड़न वास्ते पंजाब दी जनता दा टैक्सां दा पैसा खर्चना चाहुंदी। दूजे दूर दूर दे सूबे जिहड़े आ उहनां दे विच निक्के निक्के पंजाब दे कम्मां दे इश्तहार लाउण दा की मतलब है? तुसीं लोकां नूं बिजली दी सहूलत नहीं दे पा रहे, तुसीं 1000 रुपया भैणां नूं नहीं दे पा रहे, तो करोड़ों रुपए के हर रोज़ तुसी दूजे सूबे तक इश्तहार दे रहे। इस करके ये भी एक स्कैंडल है कि लोगों के खून पसीने की कमाई केजरीवाल के कहने के उत्ते पार्टी वास्ते जिहड़ी रोड़नी, यह भी एक स्कैंडल है। ये भी नाल दी नाल जांच शुरू कर लो, क्योंकि लेट ना हो जाए। जांचा नाल दी नाल शुरू करो तो नाल दी नाल वादे अपने पूरे कर लो। देखो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ठीक ना, कोई भी अदालत का फैसला है, किसी की जमानत रिजैक्ट होंगी किसी मिलती है हमेशा वेलकम किया जाता। इस करके अदालत के फैसले के उत्ते मेरी टिप्पणी जी है नहीं है, जो फैसला अदालत का सही है। देखो गल यह है कि अगर कोई साडा पंजाबी जां सिख नौजवान दूजी धरती दे उत्ते जाके मैंबर पार्लीमेंट बनिया तो अपने सूबे दे विच आके वह मुख्यमंत्री साहब नाल मीटिंग करता है, तो मैं नहीं समझता एक कोई गुनाह है। इस करके हर गल नूं दूजे पासे तोड़ नहीं देनी चाहिए, थोड़ी बहुती जिहड़ी है सहनशीलता भी साडी होनी चाहिए। हर एक नूं आजादी है, वह उत्थे दी पार्लीमेंट दा चुनिया होया मैंबर है, वो अपनी उन्हों आजादी है उत्थे दी पार्लीमेंट दे विच वो अपना पक्ष रख सकता, पर इत्थे आके वो अगर पंजाब दे मुख्यमंत्री नूं मिलदा तो इहनूं अननसैसरी इशू नहीं बनाउणा चाहिए। अगे बीजेपी दे लीडर नूं भी दिल्ली च मिलिया सी पिछली बारी, उदों उन्होंने फिर क्यों समा दिता? इस करके ये रवायतां नहीं पाउणी चाहीदियां। कोई दूसरे देश का MP है, ठीक है, इत्थे दा जंपल है, इत्थे उहदा परिवार है, वो उत्थे जाके उत्थे दे हिसाब दे नाल अपने सिस्टम दे विच जिहड़ी है वो अपना काम करदा। तो इस गल की थोड़ी बहुत साडी सहनशीलता रहनी चाहिए है, हर गल नूं कदी खालिस्तान नाल जोड़ लैणा, कदी साडे ते रिवाज पै गया कि जे अंदोलन होवे किसानां दा उहनूं खालिस्तान नाल जोड़ दिओ, जे दूजा कोई आवे उहनूं खालिस्तान नाल जोड़ दिओ। इस तरह तो गल्लां तो सानूं बचना भी चाहिए। देखो ये तो उन्होंने पुछो जिहड़े जोड़दे, क्योंकि हर गल दे उत्ते नहीं ना, तुसीं आपे तो विजय देंदे हो देश आउण वास्ते, तो बाद दे विच जे इत्थे आ के कोई MP है किसी मंत्री नूं मिले किसी मुख्यमंत्री नूं मिले तो वीजा तो भारत सरकार ही दिंदी है।
ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਐਮ ਪੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।